खबर रतलाम से। जिले में तीन अवैध शराब की फैक्ट्रियों के उजागर होने के बाद रतलाम पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल रतलाम अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह में शामिल तीन मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। यह तीनों दिल्ली व गुजरात की फैक्ट्रियों में नकली अंग्रेजी शराब बनाने के लिए होलोग्राम ढक्कन सहित लेबल सप्लाई करते थे। दिल्ली और गुजरात की इन फैक्ट्रियों को सील कर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें पुलिस ने न्यायालय में पेश कर 10 दिन का रिमांड लिया है। बताना चाहूँगा, पिछले दिनों रतलाम में अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई थी, जिसमें दो प्रकरण पंजीबद्ध किए गए थे, बिलपाक थाने में और आईए जावरा थाने में। इसमें पुलिस ने अभी तक जो शराब बनी शराब पकड़ी थी, इवन स्प्रिट सप्लाई करने वालों को पकड़ा था, लेकिन ये जरूर हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली थी कि भाई ये ढक्कन होलोग्राम स्टिकर कहाँ से लाते हैं। इस संबंध में बताना चाहूँगा, पुलिस ने अभी तक लगभग 32 लोगों को गिरफ्तार कर चुके थे। हम लोग ढक्कन होलोग्राम और स्टिकर इनकी तलाश में थे। इसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्टर आदि की मदद से हम लोगों ने दो अन्य फैक्ट्रियों का पता लगाया है, जो एक अहमदाबाद में और एक दिल्ली में है। इन दोनों ही फैक्ट्री मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, फैक्ट्री को सील किया है। ये तथ्य सामने आया है कि जो अवैध शराब बनाई जा रही थी, इसमें देसी शराब और इंग्लिश की शराब बना रहे थे लोग। जो देसी शराब के ढक्कन है, ये सभी दिल्ली के नांगलोई में दो फैक्ट्रियों का पता चला है, जो कि एक पूर्वी इंटरप्राइजेस और श्री साई इंटरप्राइजेस के नाम से संचालित थी। ये फैक्ट्रियाँ लगभग 2008 से चलाई जा रही हैं। वहाँ पर ये लोग ढक्कन बनाते हैं, जहाँ पर इनको लीगल डिमांड मिलने पर भी ये डिस्ट्रीज में ढक्कन बनाते थे, लेकिन पिछले 7-8 सालों से इन लोगों ने अपना एडवर्टीजमेंट इंडिया मार्ट पे कर रखा है। वहाँ से जो अवैध शराब बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने इनसे संपर्क किया और उन्होंने इनसे डुप्लीकेट ढक्कन बनवाए हैं। इन्होंने अभी तक के इन्वेस्टिगेशन और तथ्य हैं, जिसके बेसिस पर लगभग इंडिया के 7 अलग अलग राज्यों में अवैध शराब बनाने के जो ढक्कन हैं वो सप्लाई किए हैं, जिसमें यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गोवा में ढक्कन सप्लाई किए हैं। फिर दूसरा एंगल आता था इंग्लिश शराब का, जो ब्रांडेड शराब रहती थी, उसके ढक्कन होलोग्राम स्टिकर आदि की तलाश में जब हम लोग पहुँचे, तो उसमें ट्रांसपोर्टर आदि की मदद से हम लोग अहमदाबाद पहुँचे, जहाँ पर ये तथ्य सामने आया कि अहमदाबाद के महसाना में एक पूरी तरह से ही अवैध फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जहाँ पर ये ब्रांडेड शराब के ढक्कन बनाए जाते हैं। जिसमें बताना चाहूँगा कि लगभग 9 ब्रांड्स के ढक्कन हम लोगों ने जब्त किए हैं 40,000 से अधिक की संख्या में, जिसमें इंपीरियल ब्लू, मैकडॉनल्ड, ब्लेंडर स्प्राइट, सीग्राम, एमडी सिल्वर, एमडी गोल्डन, आईबी आदि के ढक्कन जब्त किए हैं। जिसमें ये लोग एक फैक्ट्री, जो अवैध फैक्ट्री है, इसके पास में ही कुछ दूरी पर एक श्री हरी प्लास्टिक नामक फैक्ट्री संचालित है, जो कि फैक्ट्री ओरिजिनल है, जो फैक्ट्री प्लास्टिक के ढक्कन आदि बनाने का काम करती है, लेकिन उनका नाम यूज करके, उनका फर्जी बिल बनाकर, फर्जी GST और स्टैम्प सील आदि यूज करके ये लोग ढक्कन सप्लाई कर रहे थे, नकली ढक्कन बनाकर, जो कि इंडिया के लगभग 5 राज्यों में नकली ढक्कन सप्लाई करने की जानकारी हम लोगों को मिली है, जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गोवा और राजस्थान में बेचते थे। अभी तक की जो तथ्य हम लोगों के सामने आए, पिछले 1 वर्षों में हम लोगों ने जो आंकड़ा निकाला है, लगभग जो ये ब्रांडेड शराब के 15 से 16 लाख ढक्कन इन लोगों ने इंदौर में बेचे हैं।